कश्मीर से विस्थापित हुए पंडितों को घाटी में फिर से बसाने के लिए मनमोहन सरकार ने रोजगार पैकेज की घोषणा की थी। अब मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को और मजबूत करके तेज गति से काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किए गए। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच व विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर संगठन सड़कों पर उतर आए। इंडियन नेवी ने सेलर और आर्टिफिशर के 250 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आज से इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलवर के सरिस्का जंगल में पिछले 36 घंटे से लगी आग विकराल होती जा रही है। आग जंगल के 10 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैल चुकी है। आग जंगल के जिस हिस्से में तेजी से बढ़ रही है, वहां कई टाइगर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में आज 5 लाख से ज्यादा परिवारों को अपनी छत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेशम कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए घरों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए लाभधारियों को देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। काशी से वैष्णो माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए वाराणसी से जम्मू की सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। यह हवाई यात्रा 29 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन इंडिगो के अधिकारियों की तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत करने की बात कही है। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कम्युनिकेशन स्किल पर 10 दिन की वर्कशॉप शुरुआत हो चुकी है। इस वर्कशॉप में देश भर के वक्ता BHU के सभी छात्रों को संचार और संवाद की सूक्ष्म बारीकियां समझाएंगे। नासिक की एक रिहायशी सोसाइटी में देर रात 15 साल से बंद दुकान के अंदर बॉडी के कटे हुए पार्ट्स मिले हैं। इनमें 8 कान, 1 मस्तिष्क और 2 आंखें शामिल है। रविवार शाम को दुकान से आ रही बदबू की शिकायत के बाद यहां पर छापा मारा गया और यह बरामदगी की गई। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय मूल की लड़की विनी रमन के साथ तमिल रीति रिवाज से शादी कर ली है। IPL में RCB के लिए खेलने वाले मैक्सवेल 2017 से विनी रमन के साथ रिश्ते में थे। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको बता दें, इसका फाइनल शेड्यूल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शूट हुआ है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है।